गुड मॉर्निंग पिला माने, आज आम पंचम श्रेणी सामाजिक पाठर एकादश अध्याय पढ़वा जार नाम हूँ पिला माने आम प्रगति। आम प्रगति कहले पिला माने तुम्हें कौन बुझुछ किछि कहि परिबो किछि जानिछ विषय रे? चलो मुझे बुझेपी तुमको गोटे सुंदर गपटे कौच मन देक शुण। पाने राजुविल का गोटे पाटे सीए तुम मान भाया पंचम श्रेणी में पाठ पढ़े। तुम्हें मैंने तो जाच जे कौन तुम कोविड 19 जो तुम विद्यालय स्कूल कलेज सब कौन अच्छी बंद अच्छी तेणु एवं तुम बुलाबूली बंद अच्छी तेणु राजू घरे रही रही का भारी बोर हो जाऊला। तेणु से थे तो बापा को जाकि कहला जे बापा चलुन टे गाँ आड़े बुली आसवा एथर तो गाड़ी हेका चलला आम गाँ आड़े टे बुली आसिक जेजे और जेजे बापा को देखी आसवा। बापा कहले हाँ ठीक अच्छे का सका सका आम समस्ते बाहरी जावा। तो पर दिन सका राजू राजू बापा एवं राजू माँ कौन है गाँ मुख गाँ गाँ को बाहर एवं आगुरु कौन है राजूर जेजेमा खबर पाई राजू को दांड पिंडे जगिक बसी। तो जमीती राजू पहुँची आग जेजेमा को कौन करा कुंडेला प्रणाम जनइला तापर पचारा जे जेजे तुम्हें तो अच जेजे कड़े गले। तो जेजेमा कहले जेजे बारिपटे तुम जमी को खत ने जमी को खत नापी ट्राक्टर कौन कर खत को भर्ती करूँ। तो जे राजू कौन करा सांगे सांगे बारिआड़ दौड़ला जाकि देखला जे जेजे ढाई दुईज लोक कौन कर ट्राक्टर खत को भर्ती करूँ। तो राजू से जेजे को पचारे जेजे मुझ आर वर्ष आसी देखी थी तुम्हें कौन कर सगड़ गाड़ी खत को भर्ती कर जमी की नौ ए बर्ष कौन पाई ट्राक्टर को व्यवहार करुच? तो जेजे टी हसी दे कहले बाबारे तुम्हारे समय अनुसार सब पर घटू एवं यह आम विज्ञान विकास जो संभवपर हो पारे कृषि क्षेत्र में से आम विज्ञान व्यवहार करा व्यवहार करमर कौन करा कृषि कार्य करवल तुम खत बोहेबा को ट्राक्टर को व्यवहार कराऊना यहाँ व्यतीत तुम कौन करा जमी को चाष करने धान रोईवाई एवं धान बेंगला करने तुम कौन करा ट्राक्टर को व्यवहार करमर आधुनिक जंत्रपाति व्यवहार कर कृषि सम्बन्धी समस्त कार्य करत मानर तुम कौन बिहन एवं सार कौन करा कृषि क्षेत्र में व्यवहार करसल अमल कर व्यतीत तुम कौन आवश्यक परिमाण कीटनाशक औषध कृषक टीए तार जमी में प्रयोग कर लाभवान हो पार्टी भाव में तुम कृषक टीए लाभ विज्ञान प्रयोग द्वारा उपकृत हो पार्टी तेणु जो कृषि क्षेत्र में तुम विज्ञान प्रयोग तुम कृषि क्षेत्र में परिवर्तन एगुड़िक सब बापारे आमर देशर प्रगति को सूचाऊ अच्छे देशर प्रगति जो यही सब विराट बड़ परिवर्तन सब क्षेत्र में देखा जाए देखा देखा जाऊ अच्छी। तो राजू पुणी से जेजे को पचारे जेजे पुणी आमर देशर प्रगति कहले कौन बुझा जे देशर प्रगति किपर हो किपर जाणी? तो जेजे कहले तुम्हें बर्तमान कौन पाठ पढ़ा कौटे जाऊ विद्यालय को जाऊ बर्तमान तुम कौन विद्यालय बंद तुम्हें माने पाठ केमी पढ़ुच तुम्हें आ विद्यालय को जाऊ ना तुम्हें घर बसी केमी तुम फोन व्हाट्सएप मध्यम पाठ पढ़ुच एवं यह किपर संभव होटरनेट व्यवहार एवं उपलब्धता जो तुम कौन यह संभवपर हो पार्टी इंटरनेट व्यवहार कर तुम्हें देशर विभिन्न स्थान खबर अल्प समय मध्य जानी पारु अच्छो आहुरी तुम्हें जो कौन करुच बही खाता व्यवहार करुच एवं कलम व्यवहार करुच एवं ये पढ़ापी बही व्यवहार करुच ए बही गुड़िक कौन छापाखाना छपा जाऊँगी टाइप मेसीन एवं टाइप राइटर कौन करा टाइप करा जाऊँ कि आग काल सबुर सुविधा नाला आग काल कौन करतापतर साखनी मान लेखनी साम मुनिया लेखनी साहय
लेखालेखी करिवारे व्यवहार करूथिले किंतु तापरे कालक्रमे कौन हैला पेन रे तुमर काली पसई लेखिबा को व्यवहार करिले एबे तो समय परिवर्तन होई सारिछि तुमे लेखिया पई कागज एवं बॉल पेन रो व्यवहार करू अछ तो तू जदि ए सब जिनस को लक्ष्य करिवो ताहले तू जानि परिबो जे शिक्षा क्षेत्र रे मध्ये हमर विराट बड़ परिवर्तन देखा जाइछि एवं आमे शिक्षा क्षेत्र रे मध्ये विज्ञान रो कौन करूछि उपयोग करू अछे तेणु एहा मध्ये आम देशर प्रगति को सूचाऊ अच्छी तो राजू सेठू पचारा जे केवल कौन जेजे आमर कृषि एवं शिक्षा क्षेत्र में उन्नति घटी प्रगति घटी ना आउ कौन कौ क्षेत्र में आमर प्रगति देखा जाइछि बा परिवर्तन होइछि तो जेजे कहिले आमर से शिक्षा एवं कृषि व्यतीत आमर गमन ओ परिवहन क्षेत्र रे मध्य परिवर्तन होइछि आउ को क्षेत्र रे जोगाजोग क्षेत्र रे मध्य परिवर्तन होइछि एवं उन्नति परिलक्षित होइछि तापर कौन चिकित्सा विज्ञान क्षेत्र रे मध्य तुम्हारा परिवर्तन हेबा सहित उन्नति परिलिखित होई अछि ए सब क्षेत्र रे हमर मध्य तुमर परिवर्तन होईछि तो राजू कहिला जेजे मते सब विषय रे कोन गोटी गोटी करिकि भल भाव रे बुझाओ तो जेजे ताकु आघ प्रथमे गमन गमन एवं परिवहन क्षेत्र रे किभली परिवर्तन होईछि से कथा बुझैसंदी एवं ताकु गोटी कोन करिसंदी चित्रटिए देखैछंती जो चित्रटै तुमर कोन करूछि आग कालरु वर्तमान पर्यंत व्यवहार होतबा परिवहन व्यवस्था संपर्क रे तुमर चित्र गुडिए सेथरे थिला तो जेजे ताको धरेई दे कहिले तू कहिलु आग कालरु वर्तमान क्षेत्र जो परिवर्तन देखा देइछे सेइटिकु तू ए चित्र माध्यम रे जहा देखुछु मते कुह तुमे माने कोन हेइथिबो तुमे लक्ष्य करथिबो जे आग कालरे कोन होउथिला जिनसपत्र नेबा आनिबा करिवा पई गोटे काठपटा देहरे से जिनस को रखा जाउथिला ताको घोसरी घोसरी बा टाणी टाणी से जिनस को नेया जाउथिला तापरे लोक माने कोन हेला घरे पशु को रखी ताको कोन करिले गमन गमन एबो परिवहन पई व्यवहार करिले जेमथि तुमर गध हो बा घोड़ा हो तापरे कौन हैला धीरे धीरे तुमर जिते लोक चक्कर व्यवहार शिखिला से कौन कर चक लगा गाड़ी रे जिनसपत्र को रखी से कौन करथिला निजे ताकु टाणी टाणी नौथिला तापरे से कौन करिला से चक लगा गाड़ी रे विभिन्न प्रकार पशु मानको संजोग करी से कौन करिला निजे यातायात करिला एवं तार जिनसपत्र परिवहन करबा पई मध्य व्यवहार करिला जेपरी तुमर गध गाड़ी एवं घोड़ा गाड़ी तुमर बलद गाड़ी आहुरी पुणी कौन तुम्हें कौन सेतेबेले जदि जल पथरे तुमर जदि यातायात एवं जिनस परिवहन करिया पई से कौन कराउथिला जे केते खंड काठ को नहीं से कौन करिला डंगा तैयारी कला एवं से डंगा रे से निजे बसी बा जिनस पत्र रखी से नदी आरपट को बा नई आरपट को गला एवं से डंगाटे को नावरी किपर चलाउथिला तुमर कात द्वारा बा आहुला मारी से डंगाटे को चलाउथिला किंतु वर्तमान तुमर कौन है वर्तमान तुमर बोट हो लंच हो स्टीमर हो जहाज गुड़िक तुमर कौन मोटर द्वारा एगुड़िक सब वर्तमान परिचालित होउछी तेणु एथेरे विराट बड़ परिवर्तन तुम्हें परिलिखित होपरे तुमर धीरे धीरे कौन है साइकिल बाहर तापर रिक्सा बाहर किंतु साइकिल एवं रिक्सा चलवा को शारीरिक बल प्रयोग करने को पड़ूला तेणु मनीष तार बुद्धि प्रयोग कर विभिन्न प्रकार कौन गाड़ी मोटर गाड़ी ऑटो कार एगुड़िक काढ़ला एवं एगुड़िक कौन मोटर द्वारा मध्य से भाया परिचालित है तुमर कौन आसला बस आसला बस रे कौन है तुमर दूर स्थान को एका संगे 30-40 लोक बसी तुमर यातायात करें परिवहन हो पारा तापर तुमर आसला रेलगाड़ी तुमर रेलगाड़ी रे कौन होता पिला माने एका संगे तुमर 500-600 लोक एका संगे बसी दूर स्थान को बा तुमर गोटे जिलारू आ गोटे जिला को बा राज्यरू आ गोटे राज्य को यातायात करें बा माल मध्य परिवहन हो पारा ठीक से हीपरी लास्ट को आसला पिला माने तुमर एरोप्लेन बा उड़ाजहाज एवं एरोप्लेन एवं उड़ाजहाज जहाज माध्यम रे तुमर कौन लोक माने खूब अल्प समय मध्य दूर स्थान को पहुंची पारे से अल्प समय मध्य से गोटे राज्य रू आ गोटे राज्य को गोटे देश रू आ गोटे देश को जदि पहुँचबार अच्छी
ତାହେଲେ କ'ଣ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ମାଧ୍ୟମଟି ହେଉଛି ସର୍ବୋକୃଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମ। ଏଥିରେ କେଇ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଲୋକ ତାର ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବୁ ତାହେଲେ ଜାଣିପାରିବୁ ଯେ କ'ଣ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବିରାଟ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେଇଅଛି। ଏବଂ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କିପରି ହୋଇଛି ଯେ ଆମର ବିଜ୍ଞାନର ବିକାଶ ଯୋଗୁଁ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଅଛି। ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଗଲା, କାରଣ ଆମର ଧୀରେ ଧୀରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଲା ଯେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏବଂ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବା ହେତୁ ଲୋକଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଜିନିଷ ସେ ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ତୁମର ଉପଲବ୍ଧ ହେଲା ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ପାଇବାକୁ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏବଂ ଏ ଆବଶ୍ୟକତା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମର ପାଦ ଚଲା ରାସ୍ତା ଦ୍ୱାରା ତୁମର ପୂରଣ କରିବା ସମ୍ଭବପର ହେଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରିଲେ, ଯାନବାହନର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଲେ। ଯାନବାହନ ବ୍ୟବହାର କରିଲା ଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା, ତୁମର ରାସ୍ତାମାନ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଗଲା। ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ଯାନବାହନର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଲା, ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ତୁମର କ'ଣ କରାଗଲା, ଓସାରିଆ କରାଗଲା, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ତୁମର ଯାନବାହନ ଗୁଡ଼ିକ ସୁବିଧା ଭାବରେ ତୁମର ଯିବା ଆସିବା କରିପାରିବ। ଏବଂ ତୁମର ଏହି ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ସେ କ'ଣ କରିଲେ, ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମର ସେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ସହିତ ସଂଯୋଗ କରାଗଲା। ତୁମର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ସହିତ ସଂଯୋଗ କରାଗଲା। ସାଧାରଣତଃ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ମାନେ ନିର୍ଭର କରିଥାଉ, ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଉ, ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଉ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାତାୟାତ କରିବା ପାଇଁ ତୁମର କ'ଣ କରାଗଲା, ବିଭିନ୍ନ ପଥ ଯଥା ତୁମର ଯେମିତିକା ତୁମର ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ର ଗମନାଗମନ ଏବଂ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ବିରାଟ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା। ଏବଂ ଆମେ ଏଇ ଗମନାଗମନ ଏବଂ ପରିବହନ ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଚାରୋଟି ପଥକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। କ'ଣ କ'ଣ, ଯେ କ'ଣ ସଡ଼କ ପଥ, ତାପରେ ରେଳପଥ, ତାପରେ ହେଉଛି ଜଳପଥ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ତୁମର କ'ଣ ଆକାଶ ପଥ। ତ ଆମେ ଗମନାଗମନ ଏବଂ ପରିବହନ ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ଏଇ ଚାରୋଟି ପଥକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଏବଂ ଏଇ ଚାରି ପଥରେ ମଧ୍ୟ ତୁମର କ'ଣ ହେଇଛି, ପ୍ରଭୁତ ଉନ୍ନତି ଘଟିଅଛି। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଏଇ କ୍ଲାସ୍ରେ ପ୍ରଗତି କହିଲେ, ଆମ ଦେଶର ପ୍ରଗତି କହିଲେ କ'ଣ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିଛ, ତା ବିଷୟରେ କିଛି ଧାରଣା ପାଇଲ। ଏବଂ ଗମନାଗମନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାରି ପଥ, ସଡ଼କ ପଥ, ରେଳପଥ, ଜଳପଥ ଏବଂ ଆକାଶ ପଥ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।